फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, ए वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव डन योर प्रीवियस वर्क. नाउ स्टूडेंट, टुडे लेट वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, हूज नेम इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज यू विल डू द वार्म अप एक्सरसाइज इन द बुक. नाउ वी डू एक्सरसाइज 2A. This is your exercise 2A. Yes. Now, student, in the first sum, what they give you? Add. Add करना है हमें. Places दे रखे हैं. Ones, tens, 100,000 and 10,000. When we add these number, जब भी हम इनको add करेंगे, तो 3 and 2 कितना हो जाता है हमारा? Simple add करेंगे हम 5. 5 and 4, 9. 1 and 3. 4, 8 and 0, 0 अगर किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं सिंपली सेम नंबर आ जाता है. 2 and 4, 6. इसी तरह से हम इनको भी ऐड करेंगे. इस सम को भी आपको खुद से ऐड करना है और इस सम को भी आपको खुद से ऐड करना है. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, राइट इन कॉलम एंड एंड. तो देखो हमें इनको कॉलम में किस तरह से लिखना है. कॉलम में हमें इनको लिखना है जैसे जो भी वैल्यू दे रखी है. फर्स्टली हम पैलेसेस देखेंगे हमारे कहाँ तक हैं. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लेख लेख तक हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 and लेख. अब हम इनके नीचे वैल्यूज़ लिखेंगे. क्या वैल्यू दी गई है? 15, 1, 5, 5, 2, 4, 1. फिर नीचे वाली वैल्यू पीछे से लिखनी शुरू करनी है हमें. 4, 1, 1, 5. देन नेक्स्ट विल बी 0, 3, 3, 2, 2. और इनको ऐड कर देना. अब यहाँ नंबर हमारा ब्लैंक रह गया तो हम यहाँ 0 लगा लेते हैं. अब इनको ऐड करेंगे. 1 and 3, 4. 4 and 2, 6. 6 and 3, 9. 2 and 4, 6. 6 and 3, 9. 5 and 1, 6. 6 and 2, 8. 5 and 6 and 2, 8. एंड देन 5 and 1, 6. इस तरह से हमें इनको कॉलम में लिखना है और फिर ऐड करना है. सो स्टूडेंट, आपको इस सम को भी इसी तरह से करना है और इस सम को भी इसी तरह से करना है. सो दिस इज़ अवर एक्सरसाइज 2A. ओनली दिस विल बी अ लिटल एक्सरसाइज एंड दैट्स वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट, यू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे.